अभी मैं फिश फ्राई कर रही हूँ क्योंकि फिश बिरयानी बनाने के लिए, तो इधर हम उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे रेड चिल्ली पाउडर लेंगे, तो मैंने इधर कश्मीरी वाली यूज़ की हूँ। दोनों यूज़ करेंगे, रेगुलर वाली और कश्मीरी वाली। कश्मीरी वाले से कलर अच्छा आता है इसके लिए। और इसके अंदर हम धनिया जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। उसी के साथ में हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये रेडीमेड वाला है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश होता फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 चम्मच भर के ऐड कर दी हूँ। सो इसके अंदर हम टिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के, और थोड़ा से हम रेड फूड कलर भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही ऐड करेंगे। तो हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे, अच्छा कलर इससे आएगा। और हम ये टिक्का मसाला फिश बिरयानी बना रहे, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे हम, तो जितना हमें मिक्सिंग में लगेगा वो हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इससे कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है फिश के ऊपर। ये देखिए, अच्छे से हम मसाला मिक्स कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से पीस लेते जाएंगे, उसके ऊपर ये मसाला लगाते जाएंगे इस तरीके से, और इसको साइड रखते जाएंगे। इस तरीके से ही मैं सारी पीस पे मसाला लगा लेती हूँ। मैंने फिश पे मसाला लगा ली हूँ अच्छे से। अब इसको 5-10 मिनट हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, उसका मसाला रेडी करते। मैंने इधर टमाटर ले ली हूँ, पीस के। मैंने 4 से 5 टमाटर अच्छे से पीस के ले ली हूँ। उसी के अंदर हम अभी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, रेगुलर वाला। उसी के साथ में कश्मीरी वाला भी रेड चिल्ली पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे ग्रेवी में कलर अच्छा आए। जो हम मसाला बनाएंगे फिश बिरयानी के लिए, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। नमक आप अपने अंदाजे से ऐड कीजिए, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कीजिए। इसमें भी हम थोड़ा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, मसाले में कलर अच्छा आए उसी हिसाब से। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही ऐड करेंगे। बस अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। और मैंने इधर कांदा भी चॉप करके रखी हूँ इस तरीके से बारीक। तो अभी इसको हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से कांदा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऑयल अच्छे से हो गया है फिश फ्राई के लिए। अब इसके अंदर हम फिश ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फटाफट से हम अच्छे से फिश फ्राई कर लेते हैं। चारों तरफ से अल्टी पल्टी करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने फिश फ्राई करके इधर निकाल ली हूँ। अभी इसी पैन में मैंने ऑयल वही रखी हूँ, और इसमें हम अभी जो मैंने कांदा चॉप करके रखी हूँ वो ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसको हम अच्छे से अभी पका लेते हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे।
और अगर इसमें ऑयल कम लगेगा तो मैं थोड़ा ऐड करूँगी इसमें, ताकि अभी तो ज़रूरत नहीं है ऑयल की, अगर जब भी लगेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी इसको हम अच्छे से पका लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो ये टाइम पे मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। तो मैंने गैस स्लो रखी हूँ और अच्छे से हम दही को मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसको अच्छे से फेंट के दही ली हूँ, इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे। इसको फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको भी हम अच्छे से अभी पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर से 10 से 15 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए मेरा मसाला रेडी हो गया है फिश बिरयानी का। तो अभी इसके अंदर हम फिश ऐड कर देंगे। तो आपको जितने पीस ऐड करने आप ऐड कीजिए इसमें। मैं थोड़े प्रेजेंटेशन के हिसाब से ऊपर के लिए भी रखूँगी डेकोरेशन के लिए, और कुछ पीसेस में इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी हम थोड़ा पका लेंगे, जिससे कि फिश का फ्लेवर सारे मसाले में भी आ जाए। तो उसको हम दो मिनट इसको हम पका लेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो फ्रेश धनिया पत्ता रहेगा तो उसमें ऐड ज़रूर कीजिए, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस अभी इसको हम 2-5 मिनट इसको ऐसे ही पका लेंगे, जिससे कि मसाले में भी फिश का फ्लेवर आ जाए। फिर इसको हम असेंबल कर, तो एक साइड पे मैंने चावल के लिए पानी भी चढ़ा दी हूँ, उसके अंदर थोड़ा ज़ीरा ही ऐड करी हूँ। इसमें कोई गरम मसाला नहीं ऐड होगा, क्योंकि हम फिश बिरयानी बना रहे तो इसमें चावल में कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे हम, सिर्फ ज़ीरा ऐड करी हूँ मैंने और सॉल्ट ऐड करेंगे। और मैंने इधर राइस भी भिगा, राइस भिगा के भी एटलीस्ट मुझे 3 घंटे जैसे हो गए हैं। तो बस जैसे ही पानी बॉइल हो जाएगा हम राइस को उसके अंदर ऐड कर देंगे। सो अभी हम इसको असेंबल कर लेते हैं बिरयानी को फटाफट से। तो मैंने चावल देखो बॉईल कर ली थी, और जिसमें मैंने चावल बॉईल करी हूँ इसी में मैं बिरयानी असेंबल करूँगी। इसके अंदर हम पहले थोड़ा नीचे चावल ऐड करेंगे इस तरीके से, हम थोड़े चावल इसमें ऐड कर देंगे। बाकी भी बस अभी हम इसके अंदर मसाला और पीस ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम पीस के पीसेस ऐड करेंगे और साथ में मसाला भी ऐड करेंगे। तो इसमें हम अभी थोड़ा कोथमीर ऐड करेंगे, और जो दूसरे ऊपर से राइस है वो सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने इसके ऊपर भी चावल ऐड कर दी हूँ, साथ में इसमें मैं थोड़ी कोथमीर ऐड करूँगी। और इधर जो मैंने पीसेस बचा के रखी थी डेकोरेशन के लिए वो हम इस पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से हम इसको प्रेस कर करके इस पर ऐड कर देंगे। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए मैंने इसके अंदर सारे ही फिश के पीसेस ऐड कर दी हूँ, और जो मैंने जिसमें फिश फ्राई करी थी वो थोड़ा ऑयल मैंने निकाल के रखी थी, तो वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। तो इससे हमें कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
इसी से ही अच्छा कलर भी आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा रेड फूड कलर इसमें ऐड करने वाली हूँ अभी, तो उससे इसका लुक काफी अच्छा आएगा। कर रहे हैं सो ये देखिए मैं इस पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम अभी इसको दम देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें से पानी थोड़ा रिलीफ होगा तो वो अच्छे से कलर इसमें लग जाएगा। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।